नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। महेश्वरी सेवा सदन में महेश्वरी युवा संस्था सिलीगुड़ी के सौजन्य से आप देखिए क्या अनुष्ठान है। यहाँ पे एक अनुष्ठान आयोजित किया गया है, जो अनुष्ठान सावन महीना के पावन बेला में बाबा भोलेनाथ देवादिदेव महादेव का महाभिषेक शिव पार्थिव पूजन किया गया है। आइए इसी के विषय में यहाँ पे तमाम पदाधिकारी से हम चीज़ों को और स्पष्ट जानते हैं और आप सभी को बताते हैं। आप सबका दिन मंगलमय रहे। देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या था अनुष्ठान यहाँ पे और क्या है आप लोगों का आगे आगामी। यहाँ पे आज महेश्वरी युवा संस्था की ओर से महेश्वरी सेवा सदन के लॉन में हम लोगों ने एक सामूहिक पार्थिव शिवलिंग पूजा का आयोजन किया था और यहाँ पे 31 परिवारों के लिए मंडप बनाए गए थे, जिसमें अपने अपने परिवारों के साथ यजमान आके अपने अपने जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं अलग से उनमें पूजा किया गया और सब एकत्रित होकर यहाँ पे हमारे गुरुजन आचार्य मुक्तिनाथ जी एवं उनके सदस्य अन्य गुरु जी उनके साथ में एक लघु रुद्र पाठ का आयोजन किया गया था और उनकी मधुर वाणी से मंत्रमुग्ध होकर सभी ने अभिषेक का भरपूर आनंद उठाया और महेश्वरी युवा संस्था को एक छोटा सा अंश बनने का मौका मिला। शिव जी की इस अर्चना में भाग लेने का मौका मिला। हम कृतज्ञ हैं कि हमें भगवान ने भोलेनाथ ने ऐसा मौका दिया। इसके पहले भी इस तरह का अनुष्ठान आप लोगों के द्वारा किस तरह का आयोजन हमारे ख्याल से सिलीगुड़ी में तो पहली बार ही हुआ है। ये भव्य रूप से जो पार्थिव शिवलिंग पूजा है ये इस तरह से कभी किसी ने सामूहिक रूप से नहीं किया है और पूजा होती है घर में एक पार्ट होता है, यहाँ पे एक लघु पार्ट हुआ है। यानी हम सबको जो प्राप्त हुआ है ये 19 साल बाद में हमें प्राप्त हुआ है। देखिए और इस दिन का इस समय का वर्णन तो अवर्णनीय है, मैं वर्णन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी ये संयुक्त बोले की ही कृपा आशीर्वाद थी और सभी भक्त लोग लाभान्वित हो गए हैं और इसमें यजमान बन करके या श्रद्धालु बन करके दोनों ओर से लाभान्वित बने हुए हैं। तो भगवान भोलेनाथ आगामी वर्षों में इससे भी बड़े बड़े आयोजन करवाएं और अपनी सेवा करवाएं। महाराज जी, हमारे कुछ दर्शक यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या यहाँ पे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी को भी ये संस्था और आप क्या लाने का ऐसा कोई रखते हैं विचार को? देखिए, ये स्पेशली हमारे झा भाई हैं, मेरे करीबन 5-7 साल पुराने परिचित भाई हैं। ये बिहारी कम्युनिटी में ब्राह्मण वंश के एक मेरे भाई हैं, ये डॉक्टर हैं, ठीक है, और मेडिसिन का काम बहुत कुछ जानते हैं, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं इनके बारे में, बहुत कुछ जानते हैं, ऐसे स्पेशली डॉक्टर हैं। तो इन्होंने एक रामकथा कराने की एक बार मीटिंग हुआ था, असंभव हुआ, उन्होंने वो इच्छा कहीं जाके दे दिया 150,000 रुपया और बार बार ऐसे यज्ञों में ये सहयोग करते फिरते हैं। अभी तो बोलते हैं हम खाली हो गए हैं, लेकिन भगवान भरेगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन इनकी इच्छा यह जागृति हुई है। बागेश्वर बाबा वर्तमान में हमारे भारतवर्ष में सनातन सभ्यता को संवर्धन करने का एक सक्षम और सबल युवक प्रस्तोता है। तो मेरे महेश्वरी सेवा संस्था के भाई लोग और इसमें अग्रवाल कमेटी है, हम बिहारी समाज है, नेपाली समाज है, बंगाली समाज है, सारे समाज के सनातनों को एकत्रित करके अगर हम चाहें तो असंभव नहीं है, संभव है। उसके लिए हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत बड़ा पैलेस चाहिए, लाखों के संख्या में भक्त लोग आते हैं, आप लोग देखे हुए हैं बिहार में, दिल्ली, तो ये हमारा सिलीगुड़ी में भी भक्तों की कमी है, आएंगे विश्वास से मन में। स्वागत है आपका। तो हमें बताइए कि ऐसे समय में आप समाज को देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे समय में ऐसे है कि बस अपना कर्तव्य करते रहे, मानवता ना भूले, बाकी सब प्रभु कृपा, धर्म से जुड़े। नाम क्या है? मेरा नाम सुनील लखोट है। अनुष्ठान रहा उसमें आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखते हुए
हमारे सिलीगुड़ी वासियों को क्या संदेश के रूप में देना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नीचे करो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणौ हेमाशितो ही बकरो चंद्र सर्वत्र बनते। ब्रह्मलोक के मालिक ब्रह्मा है, विष्णुलोक के मालिक विष्णु है, इंद्रलोक के मालिक इंद्र है, लेकिन इस भूलोक पृथ्वीलोक मृत्युवन के मालिक स्वयं भोलानाथ। तो यह श्रावण पुरुषोत्तम मास में इससे बढ़ के खुशी और कहीं नहीं मिल सकती है कि आज महेश्वरी सेवा सदन के महेश्वरी युवा संस्था के द्वारा जो पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है, एक बहुत बड़ा सौभाग्य। रामायण में तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुतारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, किंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोष। मैं चाहता हूँ ये धर्म से लोग आध्यात्मिक धाराओं से भक्ति रस में लोग डूबे रहें, हमारी यही शुभकामना है। और इससे विशेष हम क्या बता सकते हैं, मुझे काफ़ी खुशी है कि हम हिंदू गर्व से कह रहे हैं, हिंदू सत्य सनातन धर्म के आदमी हैं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए अभी अभी हम 20 दिन बागेश्वर हम रह करके आए हुए हैं, गुरु दीक्षा लेकर के आए हुए हैं। आगामी अभी तो हमारे गुरु जी का कथा लंदन में हो रहा है, आगामी कथा बागेश्वर धाम के गुरु जी का इसी सिलीगुड़ी शहर में भी होने जा रहा है। कल मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि जरूर यहाँ पर कथा होगी, और आप लोगों का सहयोग रहा, मीडिया वालों को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस खबर को बहुत आगे तक पहुँचाया है, भूतकाल में भी, प्रेजेंट में भी और भविष्य में भी पहुँचाने का वादा किया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार झा है, मैं ऐसे मिथिलांचल मिथिला की धरती से बिलोंग्स करता हूँ और उस मिथिला के धरती में माता जानकी का जन्म हुआ है और उस मिट्टी का इतना प्रवाह है, इतनी भव्यता है, मैंने अगर मिट्टी भी किसी को अपने हाथ से दे देती है तो उसका काम हो जाता है। हमारे दर्शकों को जी, मेरा नाम पंडित नवराज गौतम, सर्वप्रथम मैं आपका ये जो ग्लोबली न्यूज है उसके और संपूर्ण टीम को शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। पार्थिव पूजन हुआ है, पार्थिव यानी मिट्टी के द्वारा यहाँ शिवलिंग बनाया गया, इसका प्रमाण शिव पुराण में आता है, कृते यत्न रत्नमयम लिंगम द्वापर त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारद श्रेष्ठ और पार्थिवम तु कलयुगे, यानी सत्ययुग में सोने द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा होती थी और द्वापर में पारद द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा होती थी और पार्थिवम तु कलयुगे, कलयुग में जो है पार्थिव द्वारा निर्मित शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा वर्णन की गई है शास्त्रों में। शिव पुराण के जो रुद्र संहिता में जहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में वहाँ घुष्मा की कथा आती है, तो घुष्मा के नाम से ही घुष्मेश्वर हुए अंतिम जो द्वादशवां ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र में है, तो घुष्मेश्वर महादेव पार्थिव शिवलिंग से ही प्रकट हुए हैं और सच्चे मन से अगर हम इनकी आराधना करें तो उनके साधक के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। इस पूजा के द्वारा सभी के वो जीवन में सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त हो, सभी का जीवन आरोग्यवान हो, इसी शुभकामना के साथ हरिओम। हरिओम।